आज मैं आपको ए टू जेड शॉर्टकट की बताऊंगा, ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की कंप्लीट कोर्स। सबसे पहले शॉर्टकट की नंबर वन कंट्रोल ए। कंट्रोल ए कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो गया। जितने भी पेज हो हमारे पास, एक हो, दो, तीन हो, सौ, कितने भी पेज हो, हम कंट्रोल ए करेंगे वो ही सब पेज सेलेक्ट होंगे। अब चलते हैं शॉर्टकट की नंबर दो। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से कंट्रोल बी। अभी ये देखो बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड, ठीक है। अब शॉर्टकट की नंबर तीन कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। एक मैं भी इस कॉपी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया या इसे सेलेक्ट किया कीबोर्ड से शिफ्ट एरो की से, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ गो टू के सामने मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम एक वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं, दो लाइन को, पूरे पैराग्राफ को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की नंबर चार कंट्रोल डी। डिफ़िकल्ट फॉन्ट सेट, हम फॉन्ट कैसे सेट करते हैं, इसके शॉर्टकट कंट्रोल डी। हम पहले सेलेक्ट करते हैं फिर कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ पर हम साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है, साइज़ भी दे सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड, अटालिक ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, ग्रीन कलर, कोई भी कलर हम दे सकते हैं। ओके किया, यहाँ पर देखो कलर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे ख़त्म, कंट्रोल जेड, ठीक है। शॉर्टकट की नंबर पाँच हम लिखा है कैसे सेंटर पे करते, कंट्रोल ई। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ई, ये देखो सेंटर पे आ गया, कंट्रोल ई सेंटर पे, ठीक है। शॉर्टकट की नंबर छः कंट्रोल एफ। एफ माना फाइंड, एक लफ्ज़ को तलाश करना, ठीक है। मिसाल यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे या कुछ भी चीज़ लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा ये क्या, यस, कोई भी लफ्ज़ लिखा। यहाँ पर दोबारा आते हैं कंट्रोल, यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एफ फाइंड। ये देखो ये बॉक्स आ गया फाइंड का, हम यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख लें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस ए वी सेव एस, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, ये देखो सेव एस को इसने सेलेक्ट किया फाइंड। हम ऐसे वर्ड्स को तलाश करते हैं, ऐसे वर्ड्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की नंबर सात, ठीक है, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के क्या है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। यहाँ पर हमारे पास पेज कितने हैं, दो पेज है, ठीक है। यहाँ पर हम जाते दूसरे पेज पे, कंट्रोल इंटर से तीसरा पेज, कंट्रोल इंटर, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल इंटर पेज बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल इंटर करते जाएंगे, हमारे पास पेज आठ हो गए। कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर, कितने दफ़ा भी कंट्रोल इंटर करेंगे उतनी पेज बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा कर्सर कहाँ पे है, बारह पेज पे, ठीक है। हम यहाँ पर कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी, हमारा कर्सर कहाँ पे, बारह पेज पे। मैं कहता हूँ पहले पेज पे आए, यहाँ पर हम वन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटर करते हैं, ये देखो हमारा कर्सर वन पेज पे आ गया, ठीक है। मैं कहता नहीं, मेरा कर्सर छः पेज पे आ जाए, मैं यहाँ पर सिक्स लिखता हूँ फिर इंटर करता हूँ, ये हमारा कर्सर छः पे आ गया। नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पर वन लिखता हूँ, मैं हमारा कर्सर वन पे आ गया, ठीक है। गो टू, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी, ठीक है। अब कंट्रोल एच रिप्लेस, ठीक है, कंट्रोल एच क्या है, रिप्लेस। यहाँ पर हम आते हैं कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला आर एन डी रेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंट ब्रैकेट शोर ब्रैकेट बंद, इंटर करता हूँ, ये फार्मूला हमारे पास आ गया शॉर्टकट की, कंट्रोल एच। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच मैं करूँगा, ठीक है, कंट्रोल एच किया मैंने, यहाँ पर हमारे आंदा, हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी एच एन डे, देखिए जगह मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ ही आ जाए, एच ही मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पर ही की जगह यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, रिप्लेस ऑल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो ही आ गया, ठीक है।
ही आ गया। इसको यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दिया गया, कंट्रोल वाई करता हूँ, रिडो, ठीक है, ही आ गया। यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा, कंट्रोल वाई, ही, ठीक है। आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास नाम हो कोई भी, ये हो, अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्लेस हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोल आई इटैलिक। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई, कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आई, इटैलिक हो गया, ठीक है, कंट्रोल आई, यहाँ पर भी ऊपर भी नज़र आ रहा है, कंट्रोल आई, इटैलिक, कंट्रोल जी करता हूँ, दूसरे पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई, कंट्रोल जे, क्या है, कंट्रोल जे। अब मैं जस्टिफाई करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जे कर रहा हूँ, ये देखो ये लाइन सब एक ही इसमें आ गया, कंट्रोल जे, ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ इनको, कंट्रोल जे, जस्टिफाई, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर फिर पहले पेज पे आता हूँ, वन, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के, हाइपर लिंक, क्या है, कंट्रोल के, यहाँ पर मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी पिक्चर हो या कोई भी फाइल सेव हो उसके ऊपर मैं कहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर ओके किया, ठीक है, ये मोहम्मद दानिश सीवी 2022, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ ये देखो, कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक, ये सीवी ओपन हो गई, ठीक है, ये हाइपर लिंक, इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एल, एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये देखो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर मैंने बताया था, कंट्रोल एल से फिर लेफ्ट, हम यहाँ पर सेंटर करते हैं, मैं फिर कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, दोबारा वापस लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, ये देखो हमारा राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल एम, दोबारा इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स, अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, मैं कंट्रोल एन करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है, कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल एन से दोबारा उसी पे जाते हैं, अल्ट टैब, कीबोर्ड से अल्ट टैब प्रेस करेंगे, दोबारा उसी पे आएंगे, दोबारा हम जाएंगे अल्ट टैब, उसी पे आएंगे, अल्ट टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद कंट्रोल ओ, ओपन, ओपन अदर डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ओ, यहाँ पर हमारे पास कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइल डी में हो या ई में या डेस्कटॉप या डाउनलोड पे, कहाँ पे भी हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल पी, प्रिंट, प्रिंट यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल पी, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट शॉर्टकट कंट्रोल पी, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल क्यू, ये नहीं हो रहा, ठीक है, कंट्रोल आर, अभी मैंने पहले भी बताया था, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने सेंटर पे किया, यहाँ पर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये देखो राइट साइड, कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल इज सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद सेव,
हम एक फाइल को सेव करते हैं, मिसाल हमारे पास न्यू फाइल है, हम उसको सेव करते हैं, फिर शॉर्टकट की से कैसे करते हैं, कंट्रोल एस। मिसाल यहाँ पर हम आते हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैंने ये कुछ भी नाम दिया, जावेद या कोई भी नाम दिया मैंने, कंट्रोल एस किया मैंने। यहाँ पर डी पे या ई पे या डाउनलोड कहाँ पे भी आप सेव करते हैं, यहाँ पर मैंने डी पे ई पे किया, यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक किया, ये हमारा फाइल सेव हो गया, ठीक है। इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल टी, ये देखो मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी पे जाते हैं, वन पेज टू पेज, ठीक है, कंट्रोल टी था, सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल टी, देखो कंट्रोल टी से जितना भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, कंट्रोल जेड करो अंडो, ठीक है, कंट्रोल जी वन पेज पे, कंट्रोल यू अंडरलाइन, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, कंट्रोल यू अंडरलाइन हो गया। आप कहते कि सब पे अंडरलाइन आए, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल यू, ये देखो कंट्रोल यू प्रेस करें कीबोर्ड से तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर हम एक चीज़ को कॉपी करते हैं, मिसाल मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी, ये देखो पेस्ट, कंट्रोल वी जितनी बार, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज डॉक्यूमेंट, इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, देखो इसको मैं कंट्रोल डब्ल्यू, वो क्लोज हो गया, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट, मैं एक वर्ड्स को कट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये कट जो है यहाँ से कट हो जाए, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, फिर पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, ये तो कोई यहाँ से कट हो गया और नीचे पेस्ट हो गया, कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट की, कंट्रोल एक्स से कट, ठीक है, कंट्रोल वाई से रिपीट, कंट्रोल वाई से रीडू भी होता है, रिपीट भी होता है, मिसाल यहाँ पर मैं रिपीट लिख रहा हूँ, आर ई पी ई ए टी रिपीट, यहाँ पर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, रिपीट आ गया, कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, रिपीट आ गया, कंट्रोल वाई वही रिपीट का ऑप्शन आता है, ठीक है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल, यहाँ पर मैंने रिपीट को यहाँ से मैंने बैक स्पेस किया, कंट्रोल जेड, फिर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, रीड, ठीक है, कंट्रोल वाई, मैं इसको बैकस्पेस करता हूँ, कुछ यहाँ पे मैंने लिखा कंट्रोल जेड, ये देखो कंट्रोल जेड, फिर यहाँ पर मैं कंट्रोल वाई, ये नहीं हो रहा, ठीक है, कंट्रोल वाई से रीडू भी कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट, मैंने ये लफ्ज़ लिखा है, दोबारा देखो यहाँ पर मैं रिपीट लिखता हूँ, हरी पी ए टी रिपीट, यहाँ पर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, देखो कंट्रोल वाई, फिर मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, ये देखो यहाँ से मैंने डिलीट किया, फिर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ रीडू, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, ऐसे आप दो तरीके से रीडू भी कर सकते हैं और कंट्रोल वाई से रिपीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद शॉर्टकट के नंबर, ये जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो, मिसाल यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए किया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा वो आ गए, ठीक है, कंट्रोल जेड।
फिर उसके बाद शॉर्टकट की और भी है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जी करता हूँ, दूसरे पेज पे आता हूँ, यहाँ पर मैंने अपर केस लोअर केस कंट्रोल शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 मैंने अपर केस लोअर केस, ठीक है, शिफ्ट F3 इसके शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F3, ठीक है। और कीबोर्ड से साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये देखो साइज़ हमारा 24, 26, 28। और साइज़ को कम कैसे करें, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। लाइन स्पेसिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, कंट्रोल 1, ठीक है। ये शॉर्टकट की हमारे पास, ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पर 1 हमारे पास, कंट्रोल ए से लेकर जेड से शॉर्टकट की कंप्लीट हो गए, ठीक है।